अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगी राज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ ना भी कर लो, कितनी ही जुगाड़ बिठा लो, आपके हाथ में है कुछ नहीं। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ना कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा मा ते संगोस्तव कर्मणि। अब इसकी व्याख्या हम कैसे करते हैं? हम कहते हैं कि तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये नितांत मूर्खतापूर्ण उद्घोष है। अर्थ जो आपको यह अर्थ बताता है उसको कहना जाकर के संस्कृत दोबारा से पढ़ लो। कर्मण एव अधिकार अस्ते, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है। न फलेषु कदाचन, फल पर अधिकार नहीं है। जिस पे तुम्हारा अधिकार नहीं है उसकी चिंता करके क्या कर लोगे? कर्मण एव अधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा मा ते संगोस्तव कर्मणि। यानि फल को मन में लाए बिना, फल की इच्छा के अधीन हुए बिना, फल से अपने कर्म को जोड़े बिना तुम्हें कर्म करते जाना है। ये इसका संपूर्ण अर्थ हुआ। जो कभी ये बताया ना कि इसका अर्थ ये हुआ कि तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो, उससे कहना तुम संस्कृत में जरूर नकल करके पास हुए हो। बिल्कुल सच बात है कि कर्म पर ही हमारा अधिकार है, फल पर हमारा अधिकार नहीं है। क्योंकि फल जो है वो कर्म का अंतिम बिंदु है। जब तक कि कर्म नहीं हुआ है, कर्म हमारे अधीन होता है। एक बार कर्म हो गया तो हम कर्म के अधीन हो जाते हैं। आपके तरकश में तीर तभी तक आपके अधिकार में है जब तक के वो पत्यंचा पे चढ़ करके खिंचाव ले करके दूर कहीं जा करके टिक नहीं गया। टिक गया तो वो आपका नहीं है। कर्म के अधिकारी आप हो। कर्म से आप पीछा नहीं छुड़वा सकते, कभी भी नहीं छुड़वा सकते। आप जब तक जीवित हो आपको कर्म करते रहना पड़ेंगे। आप सांस ले रहे हो वो कर्म है, आप खाना खा रहे हो वो कर्म है, आप चल रहे हैं वो कर्म है, आप
व्यवसाय व्यापार कर रहे हैं वो कर्म है, आप नौकरी कर रहे हैं वो कर्म है। कर्म आप जितना अच्छा करोगे इस बात के चांसेस बन जाते हैं कि आपका फल उतना अच्छा होगा, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि आपका कर्म जितना अच्छा होगा उतने अच्छे आपको फल मिलेंगे। क्योंकि कर्म तीन प्रकार के होते हैं, क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध। क्रियमाण कर्म वो होते हैं जो अभी तक के हुए नहीं है, जो आपके अधिकार में है, जिनके आप अधिकारी हो, जिनको आप कर सकते हो। संचित कर्म वो है जो हो चुके हैं लेकिन जिनका फल निर्धारण अभी तक के हुआ नहीं है। और प्रारब्ध वो कर्म है जो आप कर चुके हो और जिनके फल का निर्धारण हो चुका है। तो आपके हाथ में क्या है? क्रियमाण, उसको आप जितना सुधार सकते हो सुधारिए। जिनके फलों का निर्धारण हो चुका है उनका आप कुछ नहीं कर सकते, जिनका निर्धारण नहीं हुआ है उनको आप साईं नाम से प्रभाव को क्षीण कर सकते हो, ये श्री साईं सच्चरित्र में लिखा है। आपको मैं बताऊं कि कैसे साईं के सान्निध्य से कर्मों का प्रभाव क्षीण होता है। हमने कुछ देर पहले अभी श्यामा की बात की थी, माधवराव देशपांडे उर्फ श्यामा, जो कि एक स्कूल मास्टर था, जो बाबा के प्रति मित्रता का भाव रखता था, उसके प्रारब्ध के चलते उसके भाग्य में धन नहीं था, लेकिन बाबा के सान्निध्य में जब श्यामा आया तो बाबा ने उसको ऐसे ऐसे लाड़ कराए जो किसी करोड़पति अरबपति से कम नहीं होते। बड़े बड़े संत महंत श्यामा के आगे पीछे घूमते थे, श्यामा को उपहार देते थे, श्यामा को हाथी की सवारी तो कहीं ऊंट की सवारी करने को मिलती थी, उसको हर जगह उतना आदर मान सम्मान मिलता था बाबा की अनुपस्थिति में जितना कि बाबा को मिलना चाहिए। उसके प्रारब्ध का, उसके संचित कर्मों का प्रभाव बाबा के सान्निध्य में आकर के क्षीण हो गया। तो इसी प्रकार जब आपने पुराने कर्म हैं, हमें याद नहीं होंगे किस जन्म में हमारे कर्म हुए होंगे, कैसे हुए होंगे, किन परिस्थितियों में हुए होंगे, लेकिन किए तो हैं, उनको भोगना तो पड़ेगा, उससे हमारा निजात नहीं है। हमें यह नहीं सोचना है कि हमें कर्म की श्रुति कैसे मिलेगी, फल श्रुति क्या मिलेगी, लेकिन मिलेगी जो सही, उससे आपका कोई छुटकारा नहीं है। श्री साईं सच्चरित्र में नारायण गांव के भीमाजी पाटिल का किस्सा आता है। बहुत सहृदय व्यक्ति थे, बहुत धनाढ्य भी थे, प्रचुर मात्रा में धन संपदा, जमीन जायदाद, अच्छा खासा चलता हुआ व्यवसाय, और बीमार पड़ गए। इतने बीमार कि खून की उल्टियां होने लगी, खांसी रुकने रुकती थी, शरीर जो है वो बिल्कुल कृशकाय हो गया था, क्षीण हो गया था, दुबले पतले बिल्कुल मरने को हो गए थे। उनके मन में इच्छा खत्म हो गई थी कि मुझे जीते रहना है, उनके मन में कोई ऐसा भाव नहीं था कि अब वो बच पाएंगे। सब नीम हकीम वैद्य डॉक्टर सबका इलाज कर दिया, मरणासन्न पड़े थे कि नाना साहब चांदोरकर का जाना एक दिन उस गांव में हुआ। नाना साहब चांदोरकर बाबा के हरकारे, बाबा का संदेश, बाबा की शिक्षा लोगों तक लेकर के जाते और लोगों को लेकर के शिरडी बुला करके ले आते कि चलो यार वहां चलो, जो सुख आनंद वहां पर है वहां कहीं नहीं है।
और भीमाजी पाटिल उनके मित्र होते थे। भीमाजी पाटिल यहां मरणासन्न पड़े हैं, उनको देख करके नाना साहब चांदोरकर हतप्रभ रह गए, ये क्या हो गया मेरे दोस्त को। खैर जैसे तैसे उस जमाने में एम्बुलेंस तो होती नहीं थी, उन्होंने भीमाजी पाटिल के घर वालों को मनाया कि इनको बैलगाड़ी में रख करके शिरडी ले आया जाए। जुन्नर गांव से शिरडी उनको बैलगाड़ी में रख करके लाया गया। रास्ते में उनकी वही हालत, वही खून की उल्टियां, खांसी, शरीर का खराब होना सब चल रहा था। मस्जिद में लाया गया उनको और बाबा के चरणों में रख दिया गया। बाबा के पैर पकड़ लिए भीमाजी पाटिल ने। बाबा ने उनको झिटकते हुए कहा, जा यार इसको ले जाओ यहां से, इसके कर्मों का फल है, इसको भोगना ही पड़ेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, इसको इसका फल भोग लेने दो। यहां भीमाजी पाटिल बाबा के चरणों में उनको पकड़ करके रोता जा रहा था और बाबा पसीज नहीं रहे। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा, कर्मों का फल वो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा, लेकिन ये साईं तेरा तेरे साथ साथ होगा, लेकिन ये साईं तेरा तेरे साथ साथ होगा, कुछ अपने सर पे लेगा। क्या लिया है औरों को क्या दिया है,
शुक्रों के साथ तूने कभी शुक्र भी किया है। शुक्रों के साथ तूने कभी शुक्र भी किया है। जिस दिन हिसाब होगा उस रोज क्या करेगा। कर्मों का फल तो बंदे तुझको बना पड़ेगा। कर्मों का फल तो बंदे तुझको बना पड़ेगा। देख करके बाबा पसीज गए। बाबा ने कहा इसको भीमा बाई की झोपड़ी में ले जाके रखो। कहा धनाढ्य एफ्लुएंट भीमा जी पाटिल जमींदार लाखों की संपत्ति का मालिक और उसको भीमा बाई की झोपड़ी में रहने को भेज दिया बाबा ने, जो कहीं से भी उसके रहने के हिसाब से ठीक नहीं थी। लेकिन बाबा को तो उसके कर्मों को काटना था। कुछ दिन गुजर गए। एक रात जब भीमा जी पाटिल सो रहे थे तो उन्होंने देखा कि स्कूल में बैठे हैं और उनके शिक्षक ने उनसे एक सवाल पूछा। वो जवाब नहीं दे पाए और उनके शिक्षक ने उन्हें बेंतों से मारना शुरू कर दिया। पूरे नीले हरे हो गए। उन्हें इतना दर्द हुआ सपने में भी कि वो दर्द से बिल बिला करके उठ गए।
देखा तो ना तो शिक्षक था, न स्कूल था, न वो किसी क्लास में बैठे थे और ना ही उन्हें कोई बेहत पड़ी थी। कुछ दिन और गुजर गए, भीमाजी पाटिल फिर सो रहे थे। उन्होंने सपना देखा कि कोई उनकी छाती के ऊपर चढ़ा हुआ है, गोल भारी पत्थर उसने उठा करके उनकी छाती पर रख दिया और गोल गोल घुमा रहा है, जोर जोर से उस पत्थर को उनकी छाती पर घुमा रहा है। उन्हें बहुत दर्द हो रहा है और इतना दर्द उनको हुआ कि उनकी आंखें खुल गई, पनीस पसीने से तर बतर, दर्द का एहसास अब भी हो रहा था लेकिन पाया कि उनकी बीमारी ठीक हो गई थी। मेरे साईं की अगर कृपा हो ना तो हमारे कर्म सपनों में भी कट जाते हैं। ये साईं का वैशिष्ट है कि वो आपको कहीं से भी अपने कर्मों के फल से निजात दिला देते हैं। और फिर देखिए कि क्या हुआ, स्वस्थ तंदुरुस्त होकर के भीमाजी पाटिल अपने गांव जुन्नर गांव गए। और देखिए कथा का कोई ओर छोर पता नहीं होता कहां से कहां जाएगी। जब ये कथा प्रारंभ होती है तो इसका कहीं कोई स्क्रिप्टिंग नहीं होती कि आज किन विषयों पर बात होगी, क्या होगा। लेकिन आज एकादशी का दिन है और कथा कहां से कहां पहुंच रही है। भीमाजी पाटिल अपने गांव गए, अब बढ़िया हो गए थे, काम व्यवसाय देखने लगे, लेकिन बाबा की कृपा से वो इतने अभिभूत हो गए। और पहले के जमाने में सत्यनारायण भगवान की पूजा करना कोई अच्छा काम हो जाए तो हमारे घर में लाजमी होता था। अब ये इतनी बड़ी बीमारी से ठीक होकर के वापस लौट रहे थे तो इनके घर वालों ने सत्यनारायण पूजन घर पे आयोजित किया जिसमें फली पकी का चूर्ण बनाया जाता है, केलों से मंडप सजाया जाता है, लड्डू गोपाल की मूर्ति रखी जाती है, अलग अलग प्रकार के पूजन होते हैं, बामण वैश्य की, लीलावती कलावती की, क्षत्रिय राजा की, सबकी कहानियां पढ़ी जाती, फलश्रुति बताई जाती है। तो उनके घर वालों ने भी यही आयोजन रखा लेकिन भीमाजी पाटिल साईं बाबा की कृपा से इतने कृतार्थ हो गए थे, इतने अभिभूत हो गए थे कि उन्होंने इस पूजन को थोड़ा सा आज की भाषा में कहें तो ट्वीक कर दिया था, थोड़ा सा उसका भाव बदल दिया उन्होंने। और सत्यनारायण व्रत कथा के स्थान पर उन्होंने साई सत्यव्रत पूजन उस दिन किया। और वो साई सत्यव्रत पूजन जिसमें उन्होंने लड्डू गोपाल के साथ साथ सदगुरु रूप में साई बाबा की भी पूजा करी, उस साई सत्यव्रत पूजन को कालांतर में संस्थान ने यथावत अडॉप्ट कर लिया। और आज भी यदि भीड़ नहीं हो तो दो पालियों में और अगर भीड़ हो तो तीन पालियों में सत्यनारायण पूजा हॉल में ये साईं सत्यव्रत पूजन अभी भी किया जाता है, जिसके लिए आप पहले तो 25 रुपए का टोकन होता था, फिर 50 का हुआ, अब 100 रुपए का टोकन है। जब आप जाते हैं तो आपको चौरन पर लोटा, लोटे के ऊपर प्लेट, प्लेट के अंदर पीतल की साईं बाबा की और लड्डू गोपाल की मूर्ति रहती है, थाली में गंध अक्षत पुष्प
हल्दी कुमकुम एक छोटी कटोरी में आचमनी और जल रहता है, दीपक प्रज्वलित किया रहता है, अगरबत्ती साथ में रखी रहती है, गणपति के सांकेतिक रूप में मूर्ति रखी रहती है, पहले सुपारी रखते थे, सब कुछ आपको रेडीमेड मिलता है। और जब पूरी कथा समाप्त हो जाती है तो बढ़िया देसी घी में पका हुआ हलवा भगवान को भोग चढ़ाने के लिए वहाँ आपको दिया जाता है, सब कुछ रेडीमेड रहता है। आपको ये सत्य साई सत्यव्रत पूजन कभी ना कभी ज़रूर करना चाहिए जिन्होंने नहीं किया है। लेकिन जब सत्यव्रत पूजन करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए, सत्यनारायण भगवान की पूजा करते समय हमारे मन में असत्य का भाव उत्पन्न नहीं होना चाहिए। सत्यनारायण व्रत कथा जो है वो सोशल इंजीनियरिंग का सबसे बेहतरीन नमूना है, एक्सलेंट एग्जाम्पल ऑफ वंडरफुल सोशल इंजीनियरिंग, जिसमें बड़े स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि कोई भी वर्ण का व्यक्ति हो, जिनको हम किसी को ब्राह्मण कहते हैं, किसी को वैश्य कहते हैं, किसी को क्षत्रिय कहते हैं, किसी को शूद्र कहते हैं, ये सभी को भगवान सत्यनारायण एक रूप में प्राप्य हैं, ये बतलाया जाता है। ये चार जो कथाएं आती हैं, जो पांच अध्यायी कथा है, जिसमें पहले में गोराई नाम के राजा की बात आती है, भगवान सत्यदेव से नारद मुनि पूछते हैं कि कलयुग में पाप निवारण का क्या उपाय है, दूसरे में वैश्य बामन की कथा आती है, तीसरे और चौथे में लीलावती कलावती की आती है, आखिरी में क्षत्रिय राजा की कथा आती है। ये सब हर वर्ण के लोग सत्यनारायण को पूछते हैं, किसी पर रोक नहीं है, सबसे बड़ी बात। आप चीज को समझिए, आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं, खटखट 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 यहां से सुनी यहां से निकाल दी और आपको रट जाती है कुछ सालों बाद कि सत्यनारायण भगवान की कथा ऐसे ही होती है। आप उस कथा का मर्म समझिए कि जाति के आधार पर, जन्म के आधार पर किसी को भगवान की पूजा करने से कभी रोका नहीं गया, पहली बात। हर कोई अपने सामर्थ्य के अनुसार पूजा करता है, पूजा में सामर्थ्य ढकोसला जरूरी नहीं है, पूजा में भाव जरूरी है। किसी ने लकड़ी बेच करके भगवान की पूजा का पैसा जुटाया, किसी ने व्यवसाय करके भगवान की पूजा का पैसा जुटाया, झूठ बोला तो धन गायब हो गया, झूठ बोला तो कारागार में जाना पड़ा, झूठ बोला तो पति की नौका डूब गई, झूठ बोला तो राजपाट चला गया, झूठ बोला तो संस्कार चले जाते हैं। आप सत्य की पूजा कर रहे हो, सत्य नारायण की पूजा कर रहे हो, आप असत्य की पूजा नहीं कर रहे हो। जन्म के आधार पर जाति व्यवस्था से बड़ा असत्य कुछ नहीं। ये जाति व्यवस्था जो है, ये वर्ण व्यवस्था जो है, ये जन्म आधारित कभी थी ही नहीं, ये कर्म आधारित थी। जो शिक्षण का काम करें, जो शिक्षा देने का काम करें, वो ब्राह्मण कहे जाते थे। जो रक्षण का काम करें वो क्षत्रिय कहे जाते थे। जो धनोपार्जन करें उन्हें वैश्य कहा गया, जो धनोपार्जन में सहायक हों उन्हें शूद्र कहा गया। ये कर्म के आधार की व्यवस्था थी। ये पता नहीं कहां से, किस विसंगति के चलते हमारे समाज में इसको जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का रूप दे दिया। साईं बाबा इस ग्रंथ में लिखते हैं कि हमारे तुम्हारे बीच में जो तेली की दीवार है उसको हटा दो, जिससे हम अपने मिलन का पथ, अपने आवागमन का पथ सुगम कर सकें। तेली की दीवार क्या है?
जब हम भेद करते हैं, जब हम अंतर करते हैं, जब किसी को ऊंचा किसी को नीचा समझते हैं, किसी को हेय समझते हैं किसी को समृद्ध समझते हैं, किसी को अमीर समझते हैं किसी को गरीब समझते हैं, किसी को कहते हैं कि नीची जात का है, किसी को कहते हैं ये ऊंची जात का है, ये बाबा को नागवार गुजरता था और अब भी गुजरता है। तुझ में मुझ में इसमें उसमें क्यों करता तू भेद है, उसकी दया है सबके सर पर, उसकी दया है सबके सर पर, सब कमाल एक है, सब कमाल एक है, तुझ में मुझ में इसमें उसमें क्यों करता तू भेद है, उसकी दया है सारे जग पर, उसकी दया है सारे जग पर, सब का मालिक एक है, 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 सब का मालिक एक है।
एक है, सबका मालिक 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 एक है। मेरे तुम्हारे बीच ये जो तेली की दीवार है इसको हटा दो ताकि हम अपने मिलन का मार्ग सुगम कर सके। ये बाबा कहते थे, भेद करना, अंतर करना उन्हें कहीं से रास ना आता था, उन्हें बड़ी तकलीफ होती थी। और हम लोग आज जात पात धर्म मजहब इन सब को लेकर के लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मार काट पर उतारू हो जाते हैं। क्या हासिल होना है? याद रखिए, दुनिया में जितने देश मजहब के नाम पर लोगों को बांटते आए, मजहब के चूल्हे पर अपनी रोटी सेकते आए, वो सब देश आज कहाँ है? पाकिस्तान, नेपाल, ईरान, इराक, सीरिया, पैलेस्टाइन, सबको देखिए। रोज बंदूकों की आवाजें, बम के धमाके, लाशों के उड़ते चीथड़े, जनता का ये हाल के भीख मांगने पर मजबूर है। साई ने कभी कोई भेद किया ही नहीं। धर्म की बात हम सब करते हैं और धर्म हमको पता ही नहीं है कि क्या होता है। हम किसको धर्म कहते हैं? हिंदुइज्म, इस्लामिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, ज़ोरास्त्रिज्म, किसको धर्म मानेंगे? और धर्म है क्या? धर्म हमारी चार उपलब्धियों में से एक है। पहला, इस श्री साई सच्चरित्र में लिखा है ना कि इंसान की परिणति हर कर्म उसको चार गोल ध्येय की ओर ले जाता है। धर्म सबसे पहले, अर्थ, काम, मोक्ष, और बाद में चूंकि मस्जिद माई हम सभी की ये चार मंशाएं पूरी करती हैं, जैसे कृष्ण की द्वारिका करती थी, बाबा के बाद इसको द्वारका माई कहा जाने लगा। पहले बात करें धर्म है क्या। हम तो रोज धर्म की बात करते हैं, न जाने धर्म पे आने वाले कितने व्हाट्सएप मैसेजेस यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां तैराते रहते हैं। ये फॉरवर्ड आया नहीं के खट फॉरवर्ड, आया नहीं के फट फॉरवर्ड, बिना सोचे समझे कि उसके अंदर है क्या, धर्म क्या। धर्म का बड़ा स्पष्ट अर्थ है, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 श्लोक 3 और 4, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्।
यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। और यकीन मानिए, जिस जमाने में ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने उच्चारित किया था, उस जमाने में हिंदू धर्म नाम की कोई चीज नहीं थी। जितने लोग धर्म की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि रामायण में, श्रीमद् भागवत महापुराण में, श्रीमद् भगवत गीता में हिंदू शब्द कितनी बार आया है? बता दीजिए। एक बार भी नहीं आया। हिंदू, मुसलमान, जैन, बुद्ध, ईसाई, पारसी, यहूदी, ये सब एक रास्ता है जो हमको उस परम पिता परमात्मा तक ले जाता है। ये सब रास्ते हैं, ये पंथ हैं। पंथ शब्द आया है पथ से, पथ याने रास्ता, मार्ग। मार्ग पर जब आप किसी ध्येय को लेकर के चलते हो तो वो पंथ हो जाता है। उस पंथ को जो मानते हैं वो या तो हिंदू कहलाते हैं, ये मुसलमान कहलाते हैं, वो सिख कहलाते हैं, ईसाई कहलाते हैं, जो कुछ भी कहलाते हैं। और वो सब ले जाते हैं कहाँ है, कोई रास्ता यहाँ से जाता है, कोई रास्ता यहाँ से जाता है, कोई रास्ता ऐसे जाता है, कोई रास्ता वैसे जाता है, ले जाते सब वहीं पर है, जिसको हम कहते हैं सनातन, जिसमें सब बराबर है, जिसमें कोई भेद नहीं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। धर्म की जब जब ग्लानि होती है। धर्म क्या है? धारयति इति धर्मम्, जिसको मैं धारण कर लेता हूं वो धर्म हो जाता है। अभी हमारे मित्र राजेश भाई वहां पेंटिंग बना रहे थे, मुझे नहीं पता बहुत सुंदर बनी होगी, पक्की बात है, लेकिन जब वो वहां पर खड़े थे तो वो पेंटर का धर्म निभा रहे थे। पूरे मनोयोग से जो आप काम कर रहे हैं वो आपका धर्म हो जाता है। जिस काम को आपको करना चाहिए यदि आप पूरे मनोयोग से करते हैं तो आप धर्म का पालन कर रहे होते हैं। जब आप पति के रूप में होते हैं और आप पूरी निष्ठा से पति का रोल अदा कर रहे होते हैं तो आप पति धर्म का पालन कर रहे होते हैं। जब आप माता होती हैं और बच्चे के प्रति अपने पूरे कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से पालन कर रही होती हैं तो आप मातृ धर्म का पालन कर रही होती हैं। जब आप भाई होते हैं और भाई के साथ पूरे मनोयोग के साथ रहते हैं, सुगम संबंध बना करके रखते हैं, उसमें छल कपट का समावेश नहीं होता तो आप भ्रातृ धर्म का पालन कर रहे होते हैं। संध्या का समय होता है, आप पूरी निष्ठा से त्रिकाल संध्या का पाठ करते हैं, दीपक जलाते हैं, दीपक की ज्योति को नमन करते हैं तो आप ब्राह्मण धर्म का पालन कर रहे होते हैं। उसके लिए मेरा ब्राह्मण कुल में धर्म का जन्म लेना जरूरी नहीं है, मैं कहीं भी दीपक जला सकता हूं और त्रिकाल संध्या कर सकता हूं। लाइट होती है, मैं दोनों हाथ जोड़ करके उसको नमन करता हूं। लाइट नहीं होती है, मैं दिया सलाई से रुई की बाती को, जो कि घी में या तेल में भिगोई रहती है, उसको प्रज्वलित करता हूं। मैं ब्राह्मण धर्म का पालन कर रहा हूं। मैं स्कूल चलाता हूं, मैं शिक्षा धर्म का पालन कर रहा हूं। यदि मैं पूरे मनोयोग से, ईमानदारी से अपने छात्रों को पढ़ाता हूं तो ये धर्म होता है। धर्म यह नहीं है कि हमने ये लंबा सा तिलक कर लिया, शिखा बांधा ली, हाथ में कलावा बांध लिया, गले में ताबीज पहन लिया, बकरी ईद पर बकरा काट दिया, कोई धर्म नहीं है, केवल कर्म कांड है। और सनातन धर्म में तो हर एक चीज का कारण दिया हुआ है।
आप जनेऊ पहनते हैं, जनेऊ को जब आप कसते हैं तो जो गांठ आती है वो गांठ आपके हृदय पर आनी चाहिए, जो जनेऊ की गांठ होती है, ताकि आपके एक्यूप्रेशर, जिसको आज कहते हैं कि चाइनीज पद्धति है एक्यूप्रेशर, वो एक्यूप्रेशर आपके हृदय पर पड़ता रहे, आपके हृदय के स्पंदन में सुगमता आए। आपके कानों को छेदा जाता है, छेदा इसलिए जाता है कि आपका बावल मूवमेंट वो स्मूद रहे, शौच क्रिया आपकी स्मूद रहे। हम जब शौच को जाते हैं तो जनेऊ को कान पर लपेटते हैं, उससे भी आपका शौच आसानी से उतरता है। महिलाओं में जनेऊ की व्यवस्था नहीं है, इसलिए उनके कान बींधे जाते हैं। आप सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं, ब्राह्मण आपसे संकल्प दिलवाते हैं, उसमें आप कोई पैसा रखते हैं, पैसा नहीं रखते तो अक्षत रखते हैं, कुमकुम रखते हैं, मुट्ठी बंद करते हैं और ब्राह्मण आपसे कोई श्लोक बुलवाते हैं, आप जो नहीं बोल पाते, लेकिन संकल्प होता है कि आप जो भी काम करेंगे उस समय आप भगवान की पूजा का धर्म कर रहे हैं, आप पूरे मनोयोग से उस धर्म का पालन करेंगे, ये आपसे संकल्प करवाया जाता है। और आप संकल्प पूरा होने के पश्चात ब्राह्मण को यथा योग्य यथाशक्ति दक्षिणा देंगे, ये संकल्प ही करवाया जाता है। बाबा ने भी काम करवाने के बाद किसी का पैसा नहीं रोकना चाहिए। बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है, एक दिन की बात है, बाबा जब शिरडी की गलियों में घूम रहे थे, राधा कृष्ण माई को बुखार था, बाबा एक एक व्यक्ति सीढ़ी लेकर के अपने कंधे पर रख करके जा रहा था, बाबा ने सीढ़ी उससे मंगवाई, राधा कृष्ण माई के मकान की छत से लगाई, उसके ऊपर चढ़े, दूसरे साइड सीढ़ी रखी, वहां से उतर गए, उतर करके जिसकी सीढ़ी थी उसको 2 रुपए दक्षिणा दे दी। श्री सच्चरित्र में लिखा है, कहीं लोग कयास लगाते हैं कि राधा कृष्ण माई के बुखार को उतारने के लिए के बाबा ने क्रिया की थी, लेकिन बाबा ने उसके बाद 2 रुपए दिए, इस पे ज्यादा जोर कहीं पर नहीं आता है। बाबा ने कहा कि किसी से काम करने के बाद यथा योग्य दक्षिणा, उसकी मेहनत की, उसको तुरंत दे दी जाना चाहिए। ये हम भूल जाते हैं, काम करवा लेते हैं, पैसा देने की बात आती है तो भूल जाते हैं कि अरे यार आज अकाउंटेंट नहीं है, कल चेकबुक खत्म हो गई है, RTGS करना है, NEFT करना है, IMPS करना है, तो यार आज नेट डाउन था, बेनिफिशियरी ऐड नहीं हो पाया। नए टेक्नोलॉजी के साथ नए बहाने उठ खड़े होते हैं, कई बार तो मोबाइल उठाना बंद कर देते हैं अपने लेनदारों का। ये सब नए नए जमाने की हैं। और अगर आप शहर में हो और आपके पास किसी लेनदार का फोन आए, हेलो हेलो आवाज नहीं आ रही, हेलो कौन बोल रहा है, मैं ट्रैवल कर रहा हूं यार, सिग्नल्स वीक हैं, ये सब आज के जमाने के प्रपंच है, फर्क है नीयत का। तो धर्म होता है जो भी रोल हमको दिया जाए, जो किरदार हमको निभाना है, उस किरदार को हम पूरी निष्ठा से निभाएं, सोच समझ करके निभाएं, उसमें ईमानदारी रखें, तो हम धर्म कर रहे होते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यानी धर्म की जब जब भी ग्लानि होती है, लोग अपने कर्तव्यों से विमुख होते हैं, ये भगवान कृष्ण का अर्थ था। जिसको देश का रक्षण करना है वो रक्षण नहीं कर रहा है, जिसको शिक्षण कर रहा है वो शिक्षण नहीं कर रहा है, वो भक्षण कर रहा है। तो धर्म से आप विमुख हो रहे हैं, तब तब मुझे अवतार लेना होगा, तब तब मैं लौट करके आऊंगा, तब तब कोई अवतारी पुरुष आता है, चाहे वो किसी भी रूप में आए। राम अवतार हुए, कृष्ण अवतार हुए, परशुराम अवतार हुए, कोई भी अवतार हुए, बुद्ध अवतार हुए, कल्कि अवतार के हम लोग सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आएंगे, वामन अवतार हुए, वराह अवतार हुए, मत्स्य अवतार हुए, कच्छप अवतार हुए,
कभी मौका मिलेगा तो कथा में कच्छप अवतार की बातें करेंगे, क्योंकि मस्जिद माई के सभा मंडप में बीचों बीच एक कच्छप लगा हुआ है, एक कछुए की प्रतिकृति बनी हुई। अपने धर्म से यदि विमुख नहीं होना है तो सद्गुरु की शरण में मन को लगा लो। जब मन वहां पे लग जाएगा सद्गुरु की शरण में, तो आप कभी भी अपने धर्म से विमुख नहीं होगे। इस पे और भी चर्चा करेंगे अगर कल समय मिला, बाबा की मर्जी रही। आज हम अपनी कथा को विराम की ओर ले जाते हैं, विश्राम की ओर ले जाते हैं। इस संकल्प के साथ कि हमारा मन साईं की शरण में लग जाएगा और हम अपने कर्तव्यों से कभी विमुख नहीं होने का संकल्प करते हैं, प्रण करते हैं, और कभी भी हम अधर्मी हो करके अपने साईं को नीचा नहीं दिखाएंगे। मन लागा रे लागा रे, 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 मेरा साईं शरण में, साईं शरण में, मन लागा रे लागा रे, 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 मेरा साईं चरण में, साईं चरण में, साईं चरण में, साईं चरण में।
मन में समाओ, श्रद्धा सबूरी का भाव जगाओ, भाव जगाओ, श्रद्धा सबूरी का भाव जगाओ, भाव जगाओ, साईया मन में समाओ, श्रद्धा सबूरी का भाव जगाओ, श्रद्धा सबूरी का भाव जगाओ, भाव जगाओ, साईया जाओ आ जाओ, 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 तुम मेरे जीवन में, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में, मन लागा रे लागा रे, मन लागा रे लागा रे, ओ मन लागा रे लागा रे, 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 मेरा साईं भजन में, साईं भजन में, साईं भजन में, साईं भजन में, दयालु बाबा मेरे परम कृपालु, परम कृपालु, बाबा मेरे परम कृपालु, परम कृपालु, साईं मेरे बहुत दयालु, बाबा मेरे परम कृपालु, परम कृपालु, साईं मेरे बहुत दयालु, बाबा मेरे परम कृपालु, परम कृपालु, मन धो डालो धो डालो, 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 साईं चरण में, साईं चरण में, साईं चरण में, साईं चरण में, मन लागा रे लागा रे, मन लागा रे लागा रे, ओ मन लागा रे लागा रे, 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 मेरा साईं चरण में, 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 साई, साई,
यदि बाबा की आज्ञा रही, अनुमति रही, कृपा रही, तो कल पुनः हम सभी इसी स्थान पर नियत 3 बजे से 6 बजे तक बाबा के गुणगान करेंगे, बाबा की बातें करेंगे। बस इतना याद रखिए कि साईं सदैव आपके साथ हैं और वो कभी आपको नीचा नहीं होने देंगे। मन घबराए, अंधेरे में रोशनी ना दिखाई दे, दोहराते रहिए, बाबा भली कर रहे, बाबा भली कर रहे।